दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे बिल्कुल जीरो सब्सक्राइबर थे और बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे मेरे चैनल पर, और ना ही मैंने मेरा यूट्यूब चैनल किसी से प्रमोट करवाया, मैंने सिर्फ काम किया। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जब आपका बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल हो तो किस तरीके से आप उस ट्रिक का यूज़ करके ग्रो कर पाओगे। अगर 2022 में आपको सच में रियल में एक बहुत ही अच्छा यूट्यूबर बनना है और आपको लाखों में पैसे कमाने हैं तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, और चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, उनको भी आपको नोट डाउन करना है और अपने चैनल पर अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उनको भी आपके चैनल पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली ये कहोगे कि काश मैं इस वीडियो को पहले देख लेता और अपने चैनल पर अप्लाई कर लेता, जिससे आज मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बन जाता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, यूजर नेम टेक्निकल दोसा है। तो दोस्तों जब मेरे जीरो सब्सक्राइबर थे तब मेरे व्यूज भी बिल्कुल कम आते थे, 10-20, और मैंने 4-5 सब्सक्राइबर खुद से बढ़ा लिए थे और ऐसे थोड़े वो सब्सक्राइबर 10-20 ऐसे यार दोस्तों से बोल के बढ़ाए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे चैनल पर एक दिन में 627 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए थे, उसका प्रूफ भी मैं आपको ये दिखा देता हूं और इस ट्रिक को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सेकंड वाले पॉइंट में। उससे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप 2022 में सच में एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको पहले मन में ये ठानना पड़ेगा कि मुझे यूट्यूब के लिए डेली के 24 घंटे में से 4-5 घंटे देने ही पड़ेंगे, यानी कि आपको 4-5 घंटे यूट्यूब पर काम करना ही पड़ेगा। डेली आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक मंथ में 5 वीडियो अपलोड करोगे, 6 वीडियो अपलोड करोगे, या 4 करोगे, या 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड करोगे, या 10 दिन में 1 करोगे। यानी आपको ये ध्येय बनाना पड़ेगा, यूट्यूब के प्रति आपको लगन और मेहनत जगानी पड़ेगी अपने आप के अंदर, तब जाकर आप अपने चैनल को ग्रो भी कर पाओगे और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, जो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसको आप बड़े ध्यान से देखना और चैनल पर अप्लाई करना। दोस्तों ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल मेरा पर्सनल तरीका है, और मैं आपको बता दूँ कि ये आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ एंड चैनल की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर देगा, तो इसको ध्यान से देखना। और मैं तीसरा जो पॉइंट आपको बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपके चैनल की कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, अगर आपके चैनल पर वो अधूरी है तो उससे भी आपके चैनल की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आप कोई गलती करते हो तो भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है और लोगों पर क्लिक करना है, उसके बाद में टर्न ऑन इन कॉग्निटो जो मोड है इसको चालू कर लेना है। दोस्तों अब ये मोड ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, आपका चैनल चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पर, लेकिन आपको एक माइक्रो नीचे एक स्पेशल टॉपिक पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च बार में आना है आपको। अब जैसे मैं मेरी कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कर रहा हूँ वैसा नहीं करना, आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक को सर्च करना है। जैसे मैं लिखा हूँ चैनल वेरीफाई कैसे करें, और मैंने चैनल वेरीफाई कैसे करें इसको ओपन किया। अब यहाँ देख सकते हो जुन्नू की टैग, ये बड़ा चैनल है जुन्नू भाई का, लेकिन यहाँ टेक्निकल विश्वा, अब ये चैनल है ये बिल्कुल डेफिनेटली छोटा चैनल होगा, यहाँ पर देखोगे आप तो इनके चैनल पर सिर्फ 12 वीडियोज़ है, और इन 12 वीडियोज़ में से ये सारी की सारी वीडियोज़ क्यों वायरल गई है देख सकते हो आप। 3 वीक एगो इन्होंने वीडियो डाली है, 27,000 व्यूज़ गए, और इन्होंने 3 वीक एगो पहले वीडियो डाली, 5,000 व्यूज़ गए, और इन्होंने 2 वीक एगो पहले वीडियो डाली, कितने व्यूज़ गए, 16,000। अब ये क्यों देख रहे हो आप, इसके अलावा आप नीचे आओगे तो और काफ़ी सारे बड़े बड़े चैनल आ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई छोटा चैनल ज़रूर मिलेगा। ये रहा AVR24, और इनके चैनल पर आते हैं, अब 135 वीडियो है, बाकी वीडियोस पर तो कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इनकी उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ क्यों आए, आप देख सकते हो ये 1 महीने पहले मोबाइल से ऐसे करे चैनल वेरीफाई, इस पर 14,000 व्यूज़ क्यों आए। तो आप समझ रहे हो कि ये क्या है, सर्चेबल टॉपिक है, इनके और वीडियोज़ पर कम व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन इन वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब इनके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे या नहीं, अगर इस टाइप से आप भी अब इस टॉपिक पर अगर कोई बड़ा यूट्यूबर वीडियो बनाता है उसकी तो रैंक करेगी ही करेगी, उसकी तो रैंक करेगी ही करेगी। इसके अलावा ये वीडियो देख सकते हो, 7 घंटे पहले इन्होंने वीडियो डाला कि 2022 में ऐसे होगा चैनल वेरीफाई, ये यहाँ रैंक क्यों कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए इनका चैनल यहाँ रैंक भी कर रहा है, लोग इनकी वीडियो को सर्च करके इनकी वीडियो पर पहुँच रहे हैं, उनके व्यूज़ देख सकते हो आप, हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं इस चैनल इस वीडियो पर देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको भी अपनी कैटेगरी का जो टॉपिक है उनको सर्च करना है, फिर देखना है कि
किस छोटे यूट्यूबर की वीडियो वहाँ रैंक कर रही है, उस तरीके से फिर जैसे वीडियो रैंक कर रही है तो आप भी उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाओ। और ऐसे ही टॉपिक बहुत सारे ढूंढने हैं आपको, और ऐसे ही टॉपिक्स पर आपको वीडियो बनानी है, आपकी वीडियो बहुत तेज़ी से वहाँ ग्रो करेगी और आपके सब्सक्राइबर भी 1000 चुटकियों में कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट। अब आपकी ये बात सोच समझ में आ गई होगी कि भाई नए चैनल पर आपको किस तरीके से सर्चेबल कंटेंट बनाना है, एंड इससे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे और चैनल ग्रो भी करेगा। अब पॉइंट नंबर 3 ये बात बताता है कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका जो नेम है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, यानी कि आपका जो चैनल है वो सर्च में सबसे ऊपर रैंक करना चाहिए। मैं जब भी यूट्यूब चैनल चेक करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के चैनल सर्च में ही नहीं आते। इसके अलावा आपकी जो वीडियोज़ है वो भी सर्च में सबसे ऊपर रैंक करनी चाहिए, और इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए मैंने 32 मिनट का SEO का फुल कोर्स वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखना, और अपनी वीडियोज का SEO है उसी तरीके से करना है आपको, जिससे क्या होगी आपकी वीडियोज रैंक करेगी, और ऐसे सर्चेबल टॉपिक पर अगर रैंक कर गई तो भाई चुटकियों में आप सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपको सिर्फ एक माइक्रो नीच या माइक्रो कैटेगरी पर ही काम करना है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी पर काम करो, मैं जब भी यूट्यूब चैनल चेक करता हूँ, और भाई 2022 में ग्रो करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप आज गेमिंग की वीडियो डाल रहे हो, कर यूट्यूब टिप्स की डाल रहे हो, परसों मोबाइल रिव्यू कर रहे हो, तो भाई ऐसे आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। आपको एक कैटेगरी को चुनना पड़ेगा, एक माइक्रो नीच पर काम करना पड़ेगा। अब आप इस तरीके से सर्चेबल कंटेंट ढूंढोगे और अपने चैनल का यूनिक नेम रखोगे, फिर अपनी वीडियोस का अच्छा SEO करोगे, फिर आपको एक माइक्रो कैटेगरी पर, एक माइक्रो नीच पर काम करोगे, बेसिक और रेगुलर, यानी कि बेसिक चीज़ों को लेते हुए रेगुलर आप अपने चैनल पर काम करोगे तो आपका चैनल धीरे धीरे बूस्ट करने लगेगा। और इसी तरीके से आप अगर 150 टॉपिक पर वीडियो बना देते हो, फिर आपको अपने चैनल का एनालिसिस करना है, और आपकी जो कैटेगरी के चैनल है उनका एनालिसिस करना है, फिर आपको देखना है कि वो डे बाय डे क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और आपको डे बाय डे अपने चैनल में इंप्रूवमेंट करते रहना है। जैसे जैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे आपके चैनल पर ऑडियंस बढ़ती जाएगी, और अपनी ऑडियंस के साथ आपको फिर कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 5, कि आपको अपने चैनल पर संडे Q&A करना पड़ेगा, अपने कमेंट्स का रिप्लाई करना पड़ेगा। आपको जहां जहां अपनी ऑडियंस फॉलो कर ली है वहां रिप्लाई, और भाई मेरे को भी इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना, और यहां कमेंट भी कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और लाइक कर दो वीडियो को। अब क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी जो वीडियोज होती है उन वीडियोज को इस टाइप से कवर करना है कि आप जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हो उसमें छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर और बड़े से बड़े टॉपिक को सबको कवर कर लेना है, और एक ही कैटेगरी में काम करना है, आपको मिक्स कंटेंट नहीं करना है। तो ये सारे रूल आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 2022 में ग्रो करोगे। SEO वाला वीडियो जरूर से देखना, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी ही बना